Good morning, class 4th. Today we will continue chapter 2.1. In previous video, we have completed your exercise and already explained your exercise and 2.1 फर्स्ट ए तक हमने किया था. आज हम करेंगे, अभी करेंगे बी से शुरू करेंगे. ये क्या है, नंबर्स है 39. तो 30 के लिए हमने क्या लिख सकते हैं, 30 के लिए हमने 3x लिखा, 30 हो गया, और 9 के लिए हमने ये सिंबल यूज़ किया. ओके, नाउ नेक्स्ट. नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट में आता है 86. देखो 80 के लिए हम लोगों को कोई अलग सिंबल नहीं होता है. तो आप 80 मतलब किसके साथ आप 80 जोड़ोगे, मतलब 50, फिर आपके साथ 30 जोड़ना है. तो 50 के लिए सिंबल है L, और फिर 80 के लिए बनाने के लिए और 30 जोड़ना है. तो 30 आप जोड़ दो, हो गया 80, फिर 6, ये हो गया आपका 6, तो हो गया आपका 86. ओके, नाउ नेक्स्ट. नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में देखो 54 है ना. तो 50 के लिए सिंबल होता है L और फिर 4, हो गया 54. नाउ नेक्स्ट 67. देखो 60 के लिए भी हम लोगों के पास कोई अलग सिंबल नहीं है. तो क्या करोगे, 50 के साथ 10 जोड़ के हम 60 बना लेते हैं. तो ये हो गया सिंबल L 50 के लिए, और 10 हो गया 10 के लिए. तो हो गया आपका 60, और 7 के लिए हमने ये सिंबल यूज़ किया, हो गया आपका 67. ओके, नाउ नेक्स्ट 78. 78 के लिए भी कोई अलग से सिंबल नहीं होता है. हम लोगों के पास सिर्फ 50 का सिंबल है, 100 के सिंबल है. तो 70 लिए कोई सिंबल नहीं है. तो हमको क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा. किसके साथ, 50 के साथ. तो 50 का सिंबल आपको पता है L, और फिर उसके साथ 20 ऐड करो. तो हमने 20 ऐड करके 70 कर दिया. फिर 8 के लिए हमने ये सिंबल यूज किया, तो हो गया 78. क्लियर, ओके. नाउ नेक्स्ट. नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, राइट, नंबर 2 में राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग. यहाँ पे रोमन न्यूमरल्स दिया है, आप उसके बदले में हिंदू अरबिक नंबर्स यूज़ करता है, ठीक है. आपको क्या करना है, देखो ये किसके सिंबल है, 10 10, 20 हो गया, ये 2, तो 22, ये है हिंदू अरबिक नंबर्स. ये क्या है, देखो 9 की सिंबल है, तो आप यहाँ पे 9 लिखोगे. फिर क्या है, ये 10 है और ये 6 है, तो हो गया आपका 16. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट में देखो ये है, क्या है, ये 10 है और ये 50 है. तो आप क्या है ना, 10 प्लस 50 60 ऐसा नहीं कर सकते. जो रोमन नंबर्स, छोटा नंबर्स, जो रोमन छोटा लेफ्ट साइड में रहेगा और रोमन बिगर नंबर राइट साइड में रहेगा, तो आपको क्या करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड को आपको माइनस करना है. तो इसको क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका क्या, 50, और इसमें से 10 चला गया, तो क्या हो गया, 40, और उसके साथ 4 जोड़ो, तो हो गया आपका 44. क्लियर, नाउ नेक्स्ट. सेम प्रोसेस है, ये देखो 10 एक्स के लिए और फिर एल के लिए है 50, तो हो गया आपका ये 40. 40 के साथ 9 जोड़ो, तो होगा आपका 49. ओके, नाउ नेक्स्ट. नेक्स्ट में क्या है, सेम देखो, जो बिग न्यूमरल्स बीच में रहता है ना, देखो ये है सी, मतलब सी किसकी नंबर्स को रिप्रेजेंट, कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 100. तो 100 है इधर बीच में और इस लेफ्ट साइड में है 10. तो आपको राइट से लेकर लेफ्ट को माइनस करना है. तो 100 माइनस 10, तो हो गया आपका 90, और उसके साथ हो गया 5, मतलब 95. ओके, तो ये हो गया आपका हिंदू अरबिक नंबर्स. अभी आता है नेक्स्ट नंबर पे. नेक्स्ट नंबर क्या है, राइट साइन इन द बॉक्स. यह जो ग्रेटर देन, लेसर देन और इज इक्वल टू साइन आपको इस बॉक्स में पुट करना है. अभी आपको पता है ये जो सिंबल, एक साइड में सिंबल है, कभी कभी किसी साइड में न्यूमरल्स भी है, हिंदू अरबिक नंबर्स भी है. तो आपको सबसे पहले ये कितना नंबर, पहले आपको इसको क्लियर करना है. देखो ये है एल, ठीक है, और ये है क्या है 10, ये है L और ये है X. देखो इसमें क्या है ना, जो L जो है ये ग्रेटर न्यूमरल नंबर्स है, ग्रेटर रोमन नंबर्स है. तो आप इसके साथ जब ये बीच में रहेगा, मतलब छोटा रोमन नंबर बीच में रहेगा, तो आपको ऐड करना है. तो ये है 50 प्लस 10 हो गया 60 और 2 हो गया 62. तो इसके हम 62 आर, लेकिन ये है 72, तो ये बड़ा है, तो ग्रेटर देन आपका साइन इस साइड रखेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट, ये L होता है, L मीन्स 50.
50 और ये 3x मींस 30, तो हो गया आपका 50 प्लस 30 80 होता है, और यहाँ पे है 81, तो ये ग्रेटर हो गया देन 80, तो ग्रेटर देन का साइन इस तरफ रहेगा। ओके नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या आता है देखो, ये है नंबर्स 36 और इधर क्या है, इधर भी देखो 36, तो दोनों नंबर क्या है बराबर है, तो आप यहाँ पे इज इक्वल टू लगाओगे। ओके नाउ नेक्स्ट, ये देखो 97 और इधर देखो, ये देखो रोमन जो न्यूमरल्स है ये बीच में है बड़ा नंबर, तो आप इससे इसको माइनस करो, लेफ्ट को माइनस करना है, तो ये 100 से 10 चला गया तो हो गया आपका 90 और ये 6 हो गया, तो 96 है लेकिन इस साइड में है 97, तो 97 बड़ा ग्रेटर देन का साइन इस साइड में लगेगा। ओके नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है एल एक्स, एल एक्स का मतलब क्या है, एल मीन्स है 50 और ये होता है 10, तो हो गया 60, ये है 60 और इसका मतलब क्या है, ये देखो ये 10 है और ये 100 है, तो 90 और ये 7 है, तो 97, तो ये नंबर बड़ा है तो आपका ग्रेटर देन का साइन इधर रहेगा। ओके अभी ये देखो L और X, X L मीन्स है 40 और ये क्या है, ये देखो ये 100 और से 10 चला गया तो 99, तो ये 99 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये ग्रेटर देन हुआ, तो साइन आपके इस तरफ रहेगा। ओके नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या, राइट द आंसर इन रोमन न्यूमरल्स, यहाँ पे भी रोमन न्यूमरल्स लिखा हुआ है, इसको ऐड करके जो आंसर आएगा उसी को भी आप रोमन न्यूमरल्स में लिखोगे। ओके आप देखो ये है 23 और ये है 7, तो हो गया आपका 30, तो 30 को कैसे लिखोगे 10 10 10। ओके नाउ नेक्स्ट, ये क्या है 29 और माइनस देखे ये 7, तो 29 से 7 चला गया तो हो गया 22, तो 22 को कैसे लिखोगे 20 और ये है 2, क्लियर। अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, ये देखो एक्स सी, एक्स सी का मतलब है 90 प्लस ये क्या है 40 है ना, 50 माइनस 10 तो हो गया 40, तो इसको ऐड करोगे क्या होता है, ऐड करने से होता है 130, तो 130 का आप कैसे लिखोगे 100 के लिए C और 30 के लिए 3x, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है देखो, ये है 7 और ये है 12, तो हो गया 19, तो 19 को कैसे लिखोगे, ये 10 और 9 हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में C मीन्स 100, ओके और ये 10, X मीन्स 10, तो 10 हो गया आपका 90, तो 90 के लिए कैसे लिखोगे, 90 के लिए तो अलग से सिंबल है ही नहीं, तो आपको 100 से माइनस करना पड़ेगा, तो 100 का सिंबल होता है C और 10 का सिंबल X, तो छोटा जो रोमन नंबर्स है वो लेफ्ट साइड में लिखेंगे और बड़ा को हम राइट साइड में लिखेंगे, तब इससे आपको ये माइनस करोगे तो 90 आएगा। ओके नाउ नेक्स्ट, एल फाइव, एल फाइव का मीन्स है 55, एल मीन्स 50 और 5 ये हो गया 55, प्लस इसके साथ 5 जोड़ोगे तो होता है 60, तो 60 को कैसे लिखोगे, 60 को लिखोगे एल मीन्स 50 उसके साथ x को जोड़ोगे तो हो गया एल एक्स, इसका ये रोमन सिंबल्स है, तो ऑल ऑफ दिस वर्क यू हैव टू इन योर बुक, ठीक है, ऑल ऑफ दिस वर्क यू हैव टू डू इन योर बुक, इसी बुक के अंदर करोगे। अभी नेक्स्ट आता है एमसीक्यू में, एमसीक्यू क्या है, रोमन न्यूमरल्स 1 कैन बी सब्सट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम 5 एंड 10, ठीक है, ये 5 एंड 10 से आप इस 1 को इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो आपका आंसर इज ऑप्शन बी। ओके नाउ नेक्स्ट, 69 इज द सेम एज, 69 का क्या सिंबल होगा, 60 के लिए तो अलग से कोई सिंबल है ही नहीं, तो क्या रहेगा, आपको 50 से माइनस करना पड़ेगा, तो या ऐसा भी लिख सकते हो 69, तो ये देखो आपका 69, तो ये हो गया 60 और ये 9 हो गया 69। ओके नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, ये देखो ये है 10 और 9, तो 19 और 31, तो 19 और 31 क्या होता है 50 होता है, तो 50 का साइन सिंबल होता है एल, तो राइट आंसर इज ए। ओके नाउ नेक्स्ट, ये है एल एक्स, एल एक्स का मीन्स है 40 और ये है 29, तो इसमें क्या आएगा,
बीच ये इंटरोगेशन चिन्ह में आपका आएगा 11, तो आप इससे माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 11, तो 11 का रिप्रेजेंट ये सिंबल से होता है, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आप सारे के सारे इसी बुक के अंदर करोगे, ओके। और ये भी आपको फिलअप करना है, मैम देखो कुछ फिलअप करके दिया है आपको, सिर्फ ये दो लाइन आपको होमवर्क में दे हूँ, ये इतना तक 80 तक करना किया कर दिया मैम ने, उसके बाद से आपको ये सारे रोमन न्यूमरल्स लिखना है, ओके। तो आज हमने चैप्टर 2 का क्या सीखा, रोमन न्यूमरल्स किसको बोलते हैं, रोमन न्यूमरल्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किसके बदले में यूज़ करते हैं, ये सारे किया है। और जो भी मैम ने आज हमने कराया सारे के सारे आप इसी बुक में करोगे, और नेक्स्ट आपका नोटबुक में भी कुछ काम रहेगा, जैसा मैम ने कुछ यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए 1 से लेके 20 तक, ये भी आप अपनी नोटबुक में लिखोगे एवं और लर्न भी करोगे। और ये देखो मैं 50 का सिंबल L, C का 100 मतलब क्या है C, और D मीन्स 50, और 1000 मीन्स M, ये सारे के सारे आप इसी नोटबुक में करोगे, और इधर होमवर्क सेम टू सेम आपको ये होमवर्क करना है और लर्न भी करना है, ओके। थैंक यू।